अगर आप अपने खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और आपकी वैल्यू कैसे करेगा। दोस्तों स्वागत है आपका मैनिज्म पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल है पर लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाए। मैं आज के वीडियो पे इस टॉपिक के की पॉइंट्स के बारे में ही बात करूंगा। नंबर वन, पहले ये बात आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। यू आर नॉट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू, यू आर व्हाट यू आर। सबकी पर्सपेक्टिव अलग है, सबका दुनिया देखने का नजरिया अलग है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। दूसरे लोगों की जजमेंट आपके बारे में सिर्फ एक परसेप्शन है, वो आपकी रियलिटी नहीं है। आपको ये दिमाग में सेट कर लेना है, इस दुनिया में आपका वैल्यू सबसे ज़्यादा है और हर वक्त खुद को वो याद दिलाना है। आपके पास कितना बैंक बैलेंस है ये आपका वैल्यू डिसाइड नहीं करता। एक मिलियनेयर को एक बार बोला गया था कि आपके इतने पैसे की वजह से आपका ऐसा एटीट्यूड है। उसने रिप्लाई में कहा, गलत, मेरे एटीट्यूड की वजह से आज मेरे पास इतना पैसा है। अगर आपको ये सोचने में दिक्कत आती है कि आप सबसे वैल्यूएबल है, तो कम से कम दिमाग में ये रखे आप किसी से कम भी नहीं है। नंबर टू, मैं बहुत सारे लड़के को देखता हूँ जो लड़कियों से रिजेक्शन फेस करने के बावजूद उनके पीछे घूमते रहते हैं, और ऐसे भी लड़के देखता हूँ जो एक लड़की से रिजेक्ट होने के बाद कभी किसी लड़की को अप्रोच भी नहीं करते। ये दोनों ही चीज़ गलत है। देखिए, जब आपको कोई रिजेक्ट करता है इसका मतलब ये नहीं कि आपका वैल्यू कम है, पर एक बार लड़की से रिजेक्ट होने के बाद आप उसके पीछे घूमते हो, ये ज़रूर आपका वैल्यू कम करता है। मेरी एक पर्सनल एडवाइस है आप सबके लिए, अगर आप किसी लड़की को अप्रोच करते हो या प्रपोज करते हो और वो आपको रिजेक्ट करती है, तो आप उनसे रिजेक्शन का वजह मत पूछे, आप वहाँ से चले जाइए, फिर पीछे मुड़ के भी ना देखे। ये आपका वैल्यू बढ़ा देता है। और आपको लड़की से क्यों रिजेक्शन का रीज़न नहीं पूछना है, ये एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में इन्फॉर्म कीजिए। और जो लड़के रिजेक्शन फेस करने के बाद किसी को अप्रोच करने से डरते हैं, वे भी गलती कर रहे हैं। संदीप महेश्वरी कहते हैं, सपोज आप कोई खेल खेल रहे हो और आप सिर्फ जीतना चाहते हो तो आपके हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, पर अगर आप खेल खेल रहे हो खेलने के लिए तो आपको हराने का कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब आपको ये दिमाग में सेट कर लेना है कि आपको रिजेक्शन भी मिल सकते हैं, बट दैट्स ओके, ये सीखने का और खेलने का पार्ट है, तो ये आपको और चार्मिंग बनाएगा। और आप जितनी लड़कियों से बात करेंगे आप उतना अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर पाओगे, और जो डायरेक्टली आपको 10x अट्रैक्टिव बनाएगा, जिससे आपका वैल्यू भी इंक्रीज होगा। नंबर थ्री, स्कैर्सिटी क्रिएट करें। इस चीज़ के बारे में मैं अपने वीडियोस में बहुत बात करता हूँ। देखिए, वैल्यू उसका ही ज़्यादा है जिसका अवेलेबिलिटी कम है। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पर इसका कोई डिमांड नहीं है मार्केट में, वैल्यू नहीं है, क्योंकि पानी बहुत अमाउंट में अवेलेबल है। पर गोल्ड दूसरी तरफ हमारे ह्यूमन बेसिक नीड में नहीं पड़ता, पर ये अमाउंट में लिमिटेड है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कीमती है, वैल्यूएबल है। तो आप अगर हर वक्त सबके लिए अवेलेबल होगे तो आपका वैल्यू कम होगा। अपने टाइम को ठीक जगह इन्वेस्ट कीजिए। नंबर फोर, वर्क ऑन योरसेल्फ। ये एक ही वो चीज़ है जो आपको रियल वैल्यूएबल बनाएगा। आप अपने आप पे जितना काम करोगे आपका वैल्यू, इनकम, रेस्पेक्ट उतना बढ़ेगा। काम करना अलग चीज़ है और अपने आप पे काम करना अलग चीज़ है। रोज़ 45 मिनट्स एक्सरसाइज करे, हो सके तो जिम जाए, अपने फिटनेस में काम करे, कुछ ढंग का पढ़े, या एक घंटा कोई सेल्फ डेवलपमेंट की किताब पढ़ ले या कोई ऑडियो बुक सुन ले। ये दोनों चीज़ आपको फिजिकली और मेंटली अलग लेवल पे ले जाएगा। बताई गई इन चीज़ों को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये चीज़ आपकी वैल्यू 100 गुना बढ़ा देगा।